हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल है उसी भी दबाइए ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए, जो मैच है वो फीफा वर्ल्ड कप 2018 जो 17 जून 2018 को खेला जाएगा और यह मैच जर्मनी वर्सेस मैक्सिको के बीच खेला जाएगा। तो चलिए, दोनों टीमों का जो 5 मैच का रिकॉर्ड है वो देख लेते हैं। जर्मनी की बात की जाए तो 5 मैच में से 2 मैच हारी है, 1 मैच जीती है, 2 मैच ड्रॉ हुई है। लास्ट मैच की बात की जाए तो सऊदी अरबिया से जीती थी जो 8 जून 2018 को खेला गया था। मैक्सिको की बात की जाए तो 5 मैच में से 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी, 1 मैच ड्रॉ हुई है। लास्ट मैच की बात की जाए तो डेनमार्क से हारी थी जो 9 जून 2018 को खेला गया था। ग्राउंड की बात की जाए तो लुझनिकी स्टेडियम मॉस्को में खेला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मैच कौन जीते है, कौन जीत सकता है। इसके लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन जीतेगा, कौन जीत सकता है।